आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी विधायक अग्निमित्र पाल के विरुद्ध बाइक रैली निकालने का आरोप लगाते हुए तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता रानीगंज के निमचा पुलिस फाड़ी पहुंचे, जहां तृणमूल कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया और पुलिस को ज्ञापन सौंप कर इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की मांग की। हालांकि विधायक ने बाइक रैली निकालने से इनकार किया है। आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी विधायक अग्निमित्र पाल के विरुद्ध बाइक रैली निकालने का आरोप लगाते हुए तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता रानीगंज के निमचा पुलिस फाड़ी पहुंचे, जहां तृणमूल कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया और पुलिस को ज्ञापन सौंप कर इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की मांग की। हालांकि विधायक ने बाइक रैली निकालने से इनकार किया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। रानीगंज पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 6 से तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी विनोद नोनिया और संजीत मुखर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कार्यकर्ताओं ने निमचा पुलिस फाड़ी के समक्ष विधायक अग्निमित्र पाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। तृणमूल कांग्रेस के राज्य सचिव विश्व दासन दासू ने आरोप लगाया कि शुक्रवार को बीजेपी विधायक ने रानीगंज ब्लॉक के जयमारी ग्राम पंचायत इलाके में बिना किसी अनुमति के बाइक रैली की, जो कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इस विषय को लेकर पुलिस और राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई है। आज के कुरेचे ने कल के कुरेचे ई जे आसनसोल साउथे बीजेपी जे एमएलए अच्छे यार लीडरशिप है वैली हुए छिलो जेके नगर आसनसोल साउथ जो ग्रामीण एरिया अच्छे आसनसोल साउथ असेंबली कंस्टिट्यूएंसी मते पुरछे जिमारी ग्राम पंचायत तो कल के रैली हुए छे जा रैली परमिशन पुछन तो लिए नहीं जेटो सिस्टम अच्छे इलेक्शन कमीशन सिस्टम अच्छे थाना थे परमिशन लेते हुए परमिशन पूरे अपना की प्रोग्राम करते हुए मारे ये रकम कोई परमिशन ना लेके प्रोग्राम कर कमप्लेन रही पुलिस वो कमप्लेन एनकोरि कर जार जे एक्शन लिवार अच्छे प्रशासन पक्ष एक्शन ले। वहीं दूसरी तरफ इस विषय को लेकर विधायक अग्निमित्र पाल ने कहा कि किसी प्रकार की बाइक रैली नहीं निकाली गई है। पंचायत चुनाव के प्रचार के सिलसिले में एक संसद से दूसरे संसद की दूरी काफी अधिक है, इसलिए वे बाइक से उस इलाके में जाकर उतरी थी और फिर चुनाव प्रचार किया था। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पलटवार करते हुए सवाल उठाया कि क्या तृणमूल कांग्रेस के शासन में विधायक बाइक पर भी नहीं बैठ सकती है। विधायक ने गाड़ी का हॉर्न बजाकर इलाके में घूमने के आरोपों को भी बेबुनियाद बताया। रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। अब आपके शहर रानीगंज में नीलकमल फर्नीचर में मिलेंगे एक ही छत के नीचे फर्नीचर के सारे सॉल्यूशन, घर हो या ऑफिस, अब फर्नीचर की जरूरत पूरी होगी नीलकमल फर्नीचर में। लिविंग रूम सॉल्यूशंस, डाइनिंग सॉल्यूशंस, बेडरूम सॉल्यूशंस, स्टोरेज सॉल्यूशंस, सिटिंग सॉल्यूशन और यूटिलिटी सॉल्यूशंस, सभी सॉल्यूशन का एक ही नाम, नीलकमल फर्नीचर। हमारा पता है NSB रोड रानीगंज, अमृत कुंज आश्रम के निकट। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9832557469।